हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका आप बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कब से है वो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना, और कब एग्जाम्स होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर देखते हैं वीडियो, लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को यूपी जो टेट का एग्ज़ाम है वो होना है और 1 नवंबर से आवेदन किए भरे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि जो इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा वो सी टेट के एग्ज़ाम के बाद होगा। सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो 8 दिसंबर को होने वाला है, सो उसके बाद 22 दिसंबर को जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम जो है यूपी टेट का लेट चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, प्रयागराज से न्यूज़ निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी यानी यूपी टेट 2019 का ऐलान हो गया है और यह परीक्षा जो है वो 22 दिसंबर को दो पालियों, ठीक है ना, दो पालियों में यानी दो शिफ्ट में प्रदेश के विभिन्न जिलों में होगी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर पर और दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तिहान होगा, जैसे सीटेट का होता है, और इसका विज्ञापन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 31 अक्टूबर को पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा और परीक्षा का जो परिणाम है वो 21 जनवरी 2020 को घोषित करने की तैयारी में है। बिल रिजल्ट कब निकलेगा, क्या निकलेगा, वो बात की बात है। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्म वगैरह कब से भरे जाने हैं। शासन के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है और इसके अनुसार 1 नवंबर को अपहरण से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 1 नवंबर से दोपहर से जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हो जाएगा और पंजीकरण कराने की जो अंतिम तारीख है वो 20 नवंबर यहाँ पे रखी गई है। 1 से 20 यानी 20 दिन आपको टाइम दिया गया है और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है 21 नवंबर है, यानी फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है 21 नवंबर तय की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करते हुए प्रिंट निकालने की अंतिम तारीख 22 नवंबर है, सिर्फ एक दिन समय बढ़ाया गया है और इसके ठीक एक माह बाद यानी 22 दिसंबर को दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी और दूसरी जो पाली है अपराह्न यानी कि दोपहर 2:30 से 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक को जो टाइम है वो 2 घंटे का और एक का 2.5 घंटे का है। बिल जब नोटिफिकेशन आएगा सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 26 दिसंबर को परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करके आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं परीक्षा परिणाम 21 जनवरी 2020 को जारी करने की तैयारी है। बिल तैयारी अभी चल रही है पर ऐसा लगता नहीं कितना जल्दी जो है यूपी में किसी भी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाए। तो चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई है कि 22 दिसंबर को जो है आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है और यहाँ पे जो आपके फॉर्म भरे जाने हैं वो आपका 1 नवंबर से दोपहर से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, जो कि 20 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है और अंतिम तारीख जो है फीस जमा करने की 21 नवंबर और करेक्शन करने की जो डेट है वो 22 नवंबर तक रखी गई है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिसमें हम आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स बताएंगे कि जिन लोगों ने नाइन से डिलीट किया है क्या वो वैलिड है इसके लिए या नहीं है। चलिए फिर उस वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।